फ्रेंड्स, मैं अमृत कुमार और आज सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको बताएं अभी जो फोर ईयर जो डिप्लोमा करते हैं जेएनयू से बीए और बीएससी बीएड के साथ हो रही है, ठीक है ना। ये आज हम बात कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न, किन का एग्ज़ाम पैटर्न वापस बता देता हूँ। बीए बीएससी कर रहे हैं, बीए बीएससी बीएड, जैसे हम कहते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड भी बोलते हैं, तो उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपको पता होगा। एग्ज़ाम है 8 अक्टूबर से एग्ज़ाम इनका स्टार्ट होने वाला, कौन सा फर्स्ट ईयर वालों का, कौन से वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्ज़ाम है वो 8 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2022 के एग्ज़ाम को अकाउंट में होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सेशन 21 और 22 को सेशन माना जाता है, इसलिए ये पूरा सेशन 22 को होता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए इस वीडियो में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस यहाँ पे पूरा पैटर्न बारीकी से बताऊँगा। फिर ये मत कहना कि सर मेरे से मिस हो गया, गलती हो गई या समझ नहीं आया, तो इस वीडियो को भले 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, थोड़ा आराम से विस्तार से जान लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपने देखने के बाद ही आपको समझ आया हो और पैटर्न का तरीका भी आपको समझ में आएगा, तो तैयारी भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो आपका जो एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल जेएनयू का आ गया होगा, अगर नहीं आया तो देख लेना, मिल जाएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। इसके अलावा जो कॉल लेटर हैं वो कल या परसों से आपके डाउनलोड हो जाएंगे, कल से निकल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन एग्ज़ाम जो है 8 अक्टूबर से है। अब इसमें बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करें जो अनिवार्य सब्जेक्ट होती है, कौन सी अनिवार्य सब्जेक्ट, ठीक है ना, अनिवार्य जो विषय हैं, अनिवार्य विषय में जैसे आपको पता होगी कौन सी होती है, या तो होती है हिंदी होती है, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट होती है, एनवायर यानी वो पर्यावरण, ठीक है ना। तो ये दोनों अनिवार्य सब्जेक्ट है, क्या है, अनिवार्य सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश अनिवार्य लीजिए, आप दोनों में से जो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये तो होती है, तो ये आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं वो होगी। अब इसमें ध्यान रखिए ये जो अनिवार्य सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपके एग्ज़ाम के जो पेपर आते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, यानी वो कहना वैकल्पिक विकल्प वाले, यानी मतलब अभिसद वाले। तो आप ध्यान रखिए जो भी बीए बीएससी जो बीएससी बीएड कर रहे हैं उनका जो अनिवार्य सब्जेक्ट में हिंदी और पर्यावरण का जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस नंबर टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 100 में से आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस ही करने हैं, कितने क्वेश्चंस करेंगे आप, 50 क्वेश्चंस ही करेंगे। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा भी करते हैं तो वो चेक तो नहीं होंगे, इसलिए एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखें कि आप 50 क्वेश्चन करें और 50 भी वही करें जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक से लेके 50 तक करें और जो नहीं आ रहा वो भी आपने कर दिया, नहीं। अगर आपको एक से लेके 100 तक प्रश्न आएंगे, इस एक से लेके 100 तक के बीच में आपको जो जो बढ़िया लग रहा है ना, जो अच्छे से आ रहा है, वो 50 प्रश्न आपको करने हैं, तो इस तरह से आपको ये सिक्योर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू 150 करें, आपको बस 50 क्वेश्चन राइट करने हैं, भले एक से लेकर 100 के बीच में कौन से भी हो, अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिए 51 भी क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना, और 51वां क्वेश्चन राइट है तो वो चेक नहीं होगा, 50 ही चेक होंगे। इस तरह से आपके इन दोनों का ये क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 50 करने हैं और 50 जो भी आपको अच्छे लगे वो करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखिए कि ये मैं पैटर्न अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसलिए मुझे ये पैटर्न समझाना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता था। अब बात करते हैं, ये तो ऑप्शनल हो गया, ठीक है ना, मतलब जो अनिवार्य सब्जेक्ट होती है। अब बात करें जो सब्जेक्ट आपकी होती हैं, ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट को अगर हम कहें कि आप सब्जेक्ट जो चूज करते कॉलेज में, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में बी बीएड के अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल के सब्जेक्ट है, किसके सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल से सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल का जो सब्जेक्ट होते हैं उसके दो पेपर होते हैं, 1 और 2, ठीक है ना, दो पेपर होंगे, मैं एक ही समझाऊंगा यहाँ पे और उसका सबका निचोड़ यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, मतलब दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, मैं एक पेपर को यहाँ पे लेकर अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉलिटिकल का एक पेपर है और उसका एग्ज़ाम होने वाला है, मान लीजिए कि 8 तारीख को एग्ज़ाम होता है, तो ये जो पेपर आएगा वो पेपर 3 सेक्शन में आता है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ।
पेपर तीन सेक्शन में आता है। यहाँ पे आएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी और नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी। इस तरह से आपके पेपर में ये सेक्शन वाइज आएगा, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए इसमें जो प्रश्न आएंगे जिसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहते आएंगे अति लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न आएंगे। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो प्रश्न होंगे वो एक से लेके दस प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे टोटल? 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 10 में से आपको कितने करने हैं? सिर्फ 5 करने हैं। कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन ही करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने करने? 5 करने हैं। और शब्द सीमा यानी कितना बड़ा करना है ये क्वेश्चन, तो शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, ये 30 शब्दों में करना है इसको। कितने शब्दों में इसको करेंगे आप? 30 शब्दों में करना है, ध्यान रखिएगा। 30 शब्द यानी अगर मैं कहूँ तो आप 2 से 3 लाइन के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से सेक्शन ए के अंतर्गत हर किसी पेपर में हो 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। और कितने शब्दों में पर प्रश्न का उत्तर देना है? पर प्रश्न 30 शब्दों में उत्तर देना है यानी 2 से 3 लाइन में देना है। ये तो हो गया ए सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये भी बताइए कि पेपर पैटर्न समझ में आया कि नहीं, और आया तो किस तरह से आया, क्या फ्रेंड ने आपको शेयर किया या नहीं किया। ओके, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सेक्शन बी के अंदर प्रश्न जो आएंगे, प्रश्न आएंगे 5। कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। और ये 5ों प्रश्न अथवा में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे आपको? अथवा में मिलेंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पे इस बी सेक्शन में प्रश्न चालू हो गया 1, तो प्रश्न 1 जो भी प्रश्न इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा या इस तरह से, जो एक प्रश्न अथवा में आएगा कि राम का नाम बताइए या फिर राम के राज्य का नाम बताइए, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। या फिर कैसी लोकसभा के बारे में बताइए या राज्यसभा में के बारे में बताइए, तो दोनों में से आपको एक करना है। क्या करना है? अथवा में से एक करना है। इस तरह से आपके 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 5। 5 में से आपको ये ध्यान रखिएगा कि बी सेक्शन में 5 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। अब इसमें ये भी ध्यान रखिए, जैसे हम मान लेते हैं पहले प्रश्न में एक और ये दोनों आ गया, पहले प्रश्न में अथवा में 2 आ गए और दूसरे प्रश्न में भी एक प्रश्न आ गया और या और करके एक प्रश्न और आ गया, ठीक है, इस दूसरे का एक और आ गया यहाँ पे प्रश्न, फिर तीसरे का भी एक प्रश्न या करके एक और प्रश्न आ गया, फिर चौथे में और पांचवे में। अगर आप इस प्रश्न का ये वाला भी कर लो और ये वाला भी कर लो, 2 प्रश्न तो हो गए, और ये वाला भी कर दो, 3 प्रश्न हो गए, पास हो जाओगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर इकाई से एक एक प्रश्न करना है तो 3, नहीं, आपको अगर पहली 2 इकाई से प्रश्न आ रहे हैं तो 3 कर लीजिए, आप पास हो, पूरे नंबर आ जाएंगे। या फिर आप इस इकाई से दो प्रश्न कर रहे हो और एक इस इकाई से करो तो भी चलेगा। आपको किसी भी तरह से 3 क्वेश्चन करने हैं और 5 प्रश्न आएंगे, टोटल कितने? 5। और अगर अथवा को मैं देख के कहूँ, अथवा को मिलाकर ये कितने प्रश्न होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10, क्योंकि एक प्रश्न में के अंदर अथवा के हिसाब से 2 प्रश्न हो गए। इस तरह से 5 के 10 हो गए प्रश्नों, 5 में से 10 में से आपको कितने करने? टोटल 3 करने। अब बारी आती है, ये तो आप समझ लिया, अब इसको शब्द सीमा, कितने शब्द सीमा में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बी सेक्शन के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं वो 250 शब्द के अंदर लिखना है। 250 शब्द यानी आप ध्यान रखिए ये इसकी सीमा होगी, शब्द सीमा। 250 शब्द का मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक से दो पेज में करना है। कितने करना है? 1 से 2 पेज के अंदर ये क्वेश्चंस करना है, उत्तर इसका 1 से 2 पेज में करिएगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और ये किस टाइप के प्रश्न होते हैं? तो ये लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। किस टाइप के? लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है, इसलिए आपको जो चीज़ यहाँ पे समझा दी है वो अच्छे से करना है। अब आती है सेक्शन सी की बारी, तो इस साल फिलहाल आपको सेक्शन सी है वो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे मर्ज करके। लेकिन अगर ध्यान रखें तो इसमें सी सेक्शन में 5 प्रश्न आते हैं और इसमें भी 5 में से आपको 3 करने होते हैं और ये सबसे बड़े होते हैं, यानी आपको इसको 500 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में लिखना होता है? 500 शब्दों में लिखना होता है। तो अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 पेज के अंदर
ये करने होते हैं, लेकिन इस बार तो आपको ये नहीं करना है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सी सेक्शन नहीं करना है आपको। ए सेक्शन में भी 10 में से 5 करने हैं, 2 से 3 लाइन के अंदर। बी सेक्शन जो आएगा उसमें आपको 5 प्रश्न आएंगे, अथवा में मिलाकर 10 आते हैं। टोटल आपको 3 प्रश्न ही करने हैं। कितने पेज में करेंगे? 1 से 2 पेज में करेंगे, 250 शब्द हैं। सेक्शन सी है वो नहीं करना है, सेक्शन सी नहीं करना है। तो ये पैटर्न रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और ध्यान रखिएगा कि ये आप अगर एक्स्ट्रा कर देते हो तो आपको लॉस है। क्यों? क्योंकि आपका मान लीजिए पॉलिटिकल फर्स्ट पेपर करते हो, तो फर्स्ट पेपर करते हो तो समय कितना है? 1.5 घंटा, 90 मिनट ही है। तो इसलिए 90 मिनट के हिसाब से आपको पेपर भी कितना करना है, पूरा पेपर नहीं करना, सिर्फ 50% ही पेपर करना है। और अगर तैयारी भी करते हो और 50% भी आप पढ़ लेते हो तो भी पास हो जाओगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर और भी कुछ आपके डाउट हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपको कभी दिक्कत है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अदरवाइज ये पैटर्न हैं वो हैं बीएड बीएससी बीएड वालों का, फर्स्ट ईयर का है, जिनका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर से हो रहा है। तो इसको लेकर अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आज ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज मिलेंगे आपसे इसी तरह के अपने क्लास के कंटिन्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।